मोहल्ले के अंदर एक लड़की, कविता नामधारी लड़की, हैदराबाद में जीने के लिए आई थी। उसको भरोसा दिला के मैं करोड़पति हूँ, मैं एक पैसे वाला इंसान हूँ, मेरे पास काम करो तुम, बोल के लेके जाके बलात्कार करके उसका छोटा बेटा है मरहूम का, उसको बलात्कार करके रात में मर्डर किया गया है। वो बाड़ी मीरपेट पुलिस स्टेशन के अंदर ये एरिया था, बाड़ी को मार्चरी को उस्मानी हॉस्पिटल को भेजाया गया। उस्मानी हमें पोस्टमार्टम करे, वहाँ से ये श्रीकांत रेड्डी जो मर्डर केस जो है उन्हें उसके अपने लोग उसके कुछ लोग आके अंदर जो दफनिंग करने वाले थे उनके कब्रस्तान को लाया गया था। कब्रस्तान को आते हमारे गिरिजना ये एसटी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स यहाँ पर आकर स्ट्राइक करें, उसको रोके, क्या हुआ पूछे, मसले मसाइल पूछ के उन वो गरीब जो लोग है, कविता नाम गरीब, बहुत गरीब है, घर में काम करने के लिए जीने के लिए आई थी वो लड़की, उसका मर्डर किया गया। उन लोगों को यहाँ पे रोके, एक घंटे से दो घंटे से यहाँ स्ट्राइक चल रहा, धरना करे, पुलिस के हायर ऑफिसर्स आए, आके हमारे को ये वादा करा गया कि हम आपके फेवर में काम करेंगे, जो है हक में आपके हक में लड़ेंगे, आपको इंसाफ दिलाएंगे। उनके भरोसे पे, हमारे कानून पे जो भरोसा है, उस भरोसे से और पुलिस वालों के ऊपर जो रेस्पेक्ट से हम ये इस स्ट्राइक को हम ख़त्म करें और दो दिन का टाइम दिए मोहलत, वो मोहलत के अंदर हम आपके फेवर में आप काम करेंगे, आपको कुछ भी है उसका फुलफिल करेंगे, हम आपके आपसे टच में रहेंगे। जो श्रीकांत रेड्डी को अरेस्ट करते हैं, हम जल्द से जल्द अरेस्ट करते हैं, उसके अंदर उसके ऊपर केस करते हैं, एसटी अट्रॉसिटी केस लगाते हैं हम उसके ऊपर, बहुत कुछ करते हैं उसके लिए, कार्रवाई करते हैं हम, बोलते पुलिस वाले बोले। उनके भरोसे पे वो जो पुलिस के हायर ऑफिसर्स हैं वो लोग जो भरोसा दिए, हम उस भरोसे से हम यहाँ से उठ के जा रहे हैं। अगर इंशाल्लाह दो दिन के अंदर अगर कुछ नहीं हुआ, पुलिस वालों से कुछ काम भी नहीं हुआ, तो हम कानून को इसके नज़र में रखते हुए इस सेक्रेटरेट को हैदराबाद एसटी और पूरे सराउंडिंग तेलंगाना के अंदर है, टाइम भी देखो एसटी मिल जाए और एसटी का हर बच्चा हर वो लीडर इसके अंदर आएगा, हम इसको स्ट्राइक करेंगे, धरना करेंगे, बड़ी तादाद में धरना करेंगे, हम सेक्रेटरेट की तरफ जाएंगे और केसीआर साहब को इसको एसटी क्या है, एसटी का और कितना महंगा पड़ता है और एसटी क्या चीज़ है उनको बताएंगे, इंशाल्लाह एसटी का खतर उनको दिखाएंगे। ये मीरपेट पीएस वाले जो डेड बॉडी को डिस्पोज कर रहे हैं, तो इसको आप लोग इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं करें, किसको इन्फॉर्म, ऑलरेडी इन्फॉर्म करे पुलिस वालों को, इन्फॉर्मेशन है पुलिस वालों को उस चीज़ से, लेकिन उसके अंदर हायर ऑफिसर इन्वॉल्व नहीं थे, थोड़े चंद छोटे प्राइमरी कांस्टेबल सेट कांस्टेबल लोग थे, वो लोग क्या करें वो नहीं मालूम हमारे को। और यहाँ तक आए, जब हम यहाँ खबरस्तान तक जब आए हम, तो उस वक्त सब पूरे पुलिस वाले आए, हमारे को भी नहीं मालूम क्या काम कर रहे थे बोलिए। और गरीब वो जब हमारे तक जब बात आई, लीडर्स तक जब बात आई, तो वो लड़की के माँ बाप जो है भोले भाले लोग आए, अनपढ़ लोग आए भाई, एस टी में क्या रहे थे, पढ़े लिखे नहीं रहे थे, आज भी एस टी के लोग और बच्चों को भेज ले रहे, पैसा नहीं रह गए, बैकवर्ड एरियाज में रहते एस टी पूरे, उन लोगों को ऐसा धोखा दिया जाता, बार बार धोखा जाता, ऐसे तो केस कहीं हो रहे हैं, कहीं हो रहे हैं, 80% दिख रहे नहीं, ये 10-2% दिख रहे, जो इसको भी इंसाफ नहीं मिल रहा, ये हुकूमत क्या काम कर रही क्या नहीं कर रही, वो उन लोगों को उन लोगों पर छोड़ दे रहे हम, इंशाल्लाह इलेक्शन आएगा उसमें हम भी क्या है बता, तेलंगाना हुकूमत कुछ भी नहीं है, अब तक तेलंगाना हुकूमत कुछ करी नहीं इस चीज़ के से, इंशाल्लाह करती बोल के उम्मीद नहीं है, सिर्फ हम अब इस मन से एक ही चुन लोग पूछ रहे हैं, इस कविता लड़की नामकारी को, उसका एक छोटा बेटा है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए, बस उसको इंसाफ मिलना, उसको इंसाफ मिलने के लिए गवर्नमेंट क्या काम करती, और इसके अंदर इस चीज़ के मिनिस्टर भी है, हमारे कांस्टिट्यूंसी के एमएलए साहब है, एसटी है, उनके कौम को क्या काम करती, बोलते देखिए हमारा अपील एक ही चाहिए, हमारी डिमांड एक ही चाहिए, यहाँ सब टहरे में पूरे लीडर्स का एक ही डिमांड है, कविता को इंसाफ मिलना चाहिए, सिर्फ इंसाफ, आई वांट जस्टिस।